हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या खा सकते हैं जो बहुत इजी है बनाना, एंड स्पेशली उनके लिए जिनको टाइम ही नहीं होता कुक करने के लिए। मान लो अगर उनकी जॉब है या फिर उनका कुछ ऐसा वर्क है जो उनको अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, लाइक उठते ही उनके पास हाफ या वन आवर समथिंग से भी कम होता है अपने मील प्रिपेयर करने के लिए। उसमें उनको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों सोचना पड़ता है, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं जो इजीली बन जाए, प्लस वेट लॉस में हेल्प करे, कैलोरी डेफिसिट में हेल्प करे। इफ़ यू आर ऑन वेट लॉस तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैलोरी डेफिसिट। और जो भी फूड हम अपने जो ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं उसके बाद जो हम लंच में पैक करके लेके जाने वाले हैं, चाहे हम जॉब पे जा रहे हैं या फिर हमारा खुद का कोई वर्क है, मतलब जो भी एक्सरसाइज है, जो भी लोग वर्क करते हैं जिनके पास टाइम कम होता है मील्स प्रिपेयर करने के लिए। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वर्क करते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम होता है मील प्रिपेयर करने के लिए, उनको खुद से मील प्रिपेयर करनी होती है। एंड वो लोग का मेजर डाउट यही होता है कि अगर हमें डाइट, हमें एक वेट लॉस चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी रेसिपीज चाहिए जो बहुत ईजी हों बनाने में, ताकि उनका काम उसकी वजह से इफेक्ट ना हो। तो जो सैंडविच की रेसिपीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5, इनको हार्डली आपको वन सैंडविच बनाने में 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। और ये सारी रेसिपी आप कोई भी ट्राई कर लो, सारी यम है, सो आप ट्राई ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सेकंड चीज़, सैंडविच वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। सबसे पहली चीज़ कि सैंडविच जो होता है लो कैलरी होता है, साथ के साथ कैल्शियम रिच होता है अगर आप उसमें पनीर ऐड कर रहे हो, उसमें एग्स ऐड कर रहे हो तो। थर्ड चीज़, सैंडविच बनाना सबसे ईजी है काम है, तो इसीलिए ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। सो लेट्स चेक आउट विद द रेसिपीज। सो फर्स्ट इज़ आलू मसाला सैंडविच। इसके लिए 4 आलू लेने हैं आपको, अगर 2 सैंडविच बना रहे हो। 2 सैंडविच मीन्स 4 ब्रेड्स। इसको मैश करना है। देन हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करेंगे। उसके बाद वी विल ऐड ग्रीन पीस, ये ऑप्शनल है, बॉइल्ड ग्रीन पीस हैं। उसके बाद 2 स्पून ऑफ अनियन, लिटिल सॉल्ट एंड लिटिल रेड चिली पाउडर। सॉल्ट का इंटेक कम रखोगे थोड़ा सा तो बेटर रहेगा। 2 स्पून ऑफ ग्रीन चिली, गिव इट अ गुड मिक्स। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकेंड में हमें पनीर सैंडविच के लिए 50 ग्राम्स ऑफ पनीर चाहिए। इसको हम मैश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉक। अच्छे से मैश करना है इसको, एंड इसमें भी आराम से 2 सैंडविच बना सकते हो आप। मैश करने के बाद हम इसमें हमारी ग्रीन चिली की जो चटनी है वो ऐड करेंगे। इसमें ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है, लेमन है, सॉल्ट है और थोड़ा सा कर्ड है। तो आप इसको होममेड बना सकते हो या जो भी नॉर्मल आप चटनी बनाते हो वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद 2 स्पून ऑफ अनियन, जीरा पाउडर। जीरा इज़ ऑल्सो गुड फॉर वेट लॉस, तो आप अपनी मील्स में जीरा ज़रूर ऐड करो। थोड़ा सा सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो यू कैन ऐड चिली पाउडर। थोड़ा सा पीरी पीरी मसाला, अगर आप अपने हेल्दी फूड को भी टेस्टी बनाओगे ना तो आपका मन भी करेगा उसको खाने का, अदरवाइज़ आप अनहेल्दी खा के डाइट ब्रेक कर दोगे। गिव इट अ गुड मिक्स। अब इसको हम अपने ब्रेड पे लगाएंगे। एक सैंडविच है आलू का एंड सेकेंड सैंडविच पनीर का है। उसके बाद हम इसको ग्रिल करेंगे।
एंड सेकेंड साइड पे ग्रीन चटनी ऐड करनी है इसके, इस सैंडविच के साथ सॉस नहीं लेना है आपको, यू कैन हैव ग्रीन चटनी। और इमली की जो चटनी बनती है वो भी आप ले सकते हो, बट विदाउट शुगर आपको उसको बनाना पड़ेगा। अगर आपको चटनीज की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको चटनीज की रेसिपी भी शेयर करूँगी। एंड यस, अब हम इसको टोस्ट करेंगे। टोस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा घी ऐड करेंगे जो होममेड होगा। अगर आप थोड़ा सा घी ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा क्रिस्पी होगा। अगर आपको सॉफ्ट वाला पसंद है तो आप घी को स्किप भी कर सकते हो, सॉफ्ट सैंडविच मतलब क्रिस्पी चाहिए तो यू कैन ऐड घी। थर्ड सैंडविच के लिए वी नीड कॉर्न, इट्स अ कॉर्न चीज़ कॉर्न सैंडविच। सबसे पहले इसमें कॉर्न ऐड करेंगे, बॉइल्ड कॉर्न है ये, 4-5 स्पून ऑफ कॉर्न है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, एंड थोड़ा सा ऑरिगैनो। उसके बाद हम अपने फोर्थ सैंडविच की तरफ करेंगे मूव। तो ये हो चुका है, इसको मिक्स करके हमने साइड में रख दिया है। अब फोर्थ सैंडविच है हमारा कुकुम्बर सैंडविच, उसमें हम कुकुम्बर ऐड करेंगे, टमाटो ऐड करेंगे एंड 2 स्पून ऑफ अनियन। गिव इट अ गुड मिक्स, थोड़ा सा सॉल्ट, ऑरिगैनो, फोर। अब ब्रेड आप ब्राउन भी ले सकते हो, मल्टीग्रेन भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। सो वन सैंडविच में हमने कुकुम्बर ऐड किया है, सेकंड में वी विल ऐड कॉर्न, और इसके ऊपर हम चीज़ स्प्रेड करेंगे। चीज़ स्प्रेड वाली भी आप ले सकते हो, या फिर आप नॉर्मल जो चीज़ क्यूब्स आती हैं वो भी ले सकते हो। थोड़ी सी ऐड करनी है आपको, जस्ट इतना। उसके बाद हम इसको टोस्ट कर लेंगे। फिफ्थ सैंडविच है वो बहुत ईजी है, उसको आप 5 मिनट में बना सकते हो। सबसे पहले बटर ऐड करोगे, उसके बाद ऑरिगैनो, जस्ट बटर और ऑरिगैनो ऐड करके हमें इसे टोस्ट करना है, और ये बिल्कुल आपको गार्लिक ब्रेड जैसा ही टेस्ट देगा, ट्रस्ट मी। एंड हमारे सैंडविच रेडी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट।